हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि मैडम आप अपना वेट लॉस जर्नी का डाइट बताइए कि आप कौन सा डाइट लेके आपने खुद फॉलो किया है। तो मैं वही डाइट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे एक और भी कमेंट आया जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या रात में हम लोग चावल खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि चावल और रोटी खा के ही हम बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो बच्चे भी होते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं 6-7 महीने के होते हैं, तो माँ पहले उनको दाल ही पिलाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको चावल का पानी, दाल का पानी हम लोग देते हैं बड़ा होते ही, उनको रोटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी चावल खाने से बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़ जाता है, इससे हमें कैलोरी मिलती है। लेकिन कैलोरी हम लोगों को हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, तो कैलोरी हम लोगों को उतना ही लेना जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ये नहीं है कि आप रोटी खाओगे तो आप पतले रहोगे या चावल खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। बस इसका मात्रा आपको हमेशा सही लेना है। तो जब आपने जो पूछा कि रात में क्या चावल हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, पर बिल्कुल थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी खाती हूँ। और आपको सोने से हमेशा 2 घंटा पहले खाना खाना है। जब भी आप सोने का 10 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे अपना खाना खाएं, उसमें आप हल्का चावल लीजिए, ज्यादा नहीं, छोटी कटोरी से इतना ले सकते हैं। क्योंकि जो 100 ग्राम अगर आप चावल लेते हैं ना, तो उसमें जानते हैं कितना कैलोरी होता है, उसमें 130 कैलोरी होता है। और वही आप रोटी अगर लेते हो, एक रोटी में 70 कैलोरी होता है। तो आप मान लीजिए कि आप 2 रोटी खाते हो, तो आप कितना, 2 रोटी में कितना कैलोरी आपने लिया, आपने 140 कैलोरी को लिया है। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि आप 2 रोटी खाइएगा तो वही होता है आपका, थोड़ा सा चावल लीजिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका रोटी खाने से वजन कम हो जाएगा और चावल खाने से वजन बढ़ जाएगा। ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका शुगर होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो और जब भी आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो चावल या रोटी से कुछ नहीं, आप इसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा। और किस तरह से खाना है वो मैं अभी आज पूरा क्लियर आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं अगर आप लोगों को जो जानना था मेरा वेट लॉस जर्नी, मैंने किस तरह से अपना डाइट लिया, तो वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने चावल रोटी सब खाया है, मैंने बहुत ही आराम से अपना वेट लॉस किया है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा है। तो मैं बताती हूँ अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन आप लोगों को। तो जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मैं गुनगुने पानी के साथ हमेशा 2 चम्मच शहद और आधा नींबू लेती थी। और किसी किसी दिन मैं नींबू का सेवन नहीं करती थी, तो मैं सिर्फ गुनगुना पानी और शहद लेती थी। मैं एक ही ग्लास गुनगुना पानी पीती थी, उसके थोड़े देर के बाद फिर मैं एक ग्लास पानी पीती थी जो नॉर्मल होता था फिल्टर का। तो इस तरह से मैं 2 गिलास पानी जरूर पीती थी, और बैठ के अपने पैर पे सिप सिप करके आपको पानी पीना है। उसके बाद मैं योगा करती थी, तो आपको भी वही करना है, पहले गुनगुना पानी पीना है 2 गिलास, फिर आपको आराम से योगा करना है 1 घंटा, जो मैंने आपको बताया। आप हर तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ योगा जरूरी नहीं है, आपका शरीर एक्टिव होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ आपके हलचल आपको करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज आप कर लीजिए, योगा कर लीजिए, तो 1 घंटा का रूटीन रखिए कि आपको करना है। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट होता है तो मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाती थी, मैं चाय जरूर लेती थी, मुझे 2 टाइम चाय लेने का आदत है और अभी भी लेती हूँ। लेकिन चाय के साथ मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं जागरी का इस्तेमाल करती थी। मैं थोड़ा चाय बनाती थी, उसमें मैं जब चाय छान लेती थी, नीचे उतारती थी, तो मैं उसमें 1 चम्मच जागरी डालती थी, जो हल्का मीठा हो जाता है, हल्का के अच्छा मीठा हो जाता है। तो मैं जागरी डाल के चाय लेती थी, और उसके साथ मैं मूंगफली का सेवन करती थी। जो पहले मैं जब बहुत मोटी थी तो मैं बादाम, ये बिस्किट बहुत ज्यादा खाती थी, चाय बिस्किट मैं सुबह खा लिया करती थी, शाम में भी चाय बिस्किट खाती थी, मिठाई बहुत ज्यादा खाया करती थी, मुझे बिना मिठाई का नहीं रहा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब मीठा देखती भी हूँ तो नहीं खाती हूँ, लेकिन घर का सारा खाना खाती हूँ, मिठाई मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। जितने भी मीठी चीजें हैं, मिठाई से बनी हुई, जैसे जिलेबी, बूंदिया, फिर बिस्किट, जो भी आपके घर में रहता ही है, सबके घर में वो सब रहे, तो बिल्कुल भी मैंने बंद कर दिया। उसी तरह आपको भी बिल्कुल बाहर का चीज को छोड़ देना है। तो मैं चाय के साथ मूंगफली लेती थी सुबह के टाइम मॉर्निंग में, उसके बाद मैं एक सेव ले लिया करती थी, क्योंकि मैं, मुझे घर का जो सारा काम होता है, अपना काम करके बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं नाश्ता करती थी, तो मैं दिन में 2 ही टाइम खाना खाया करती थी। मैं एक सेव खा लिया करती थी पहले, उसके बाद जब मेरा सारा काम हो जाता था, मैं पूजा वूजा करके 11-12 मुझे बच जाता था, जब 11-12 मुझे बच जाता था, टाइम हो जाता था, तो मैं 1 टाइम खाना खाती थी जिसमें मैं थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, दाल और दही लेती थी। और दही में हमेशा आपको काला नमक और भूंजा हुआ जीरा लेना है, जैसे तवा पर उसको हल्का फ्राई करके
उसको आप थोड़ा सा पीस लीजिए, फिर आप उस जीरे का इस्तेमाल कीजिए दही में डाल के। वो आपके पेट के लिए, आपका डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहना चाहिए, आपका पेट भी साफ होना चाहिए। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि क्या खाने से आपका पेट साफ होगा, कैसे खाना है और अच्छा से आपको अपना डाइजेशन बनाए रखना है। तो इस तरह से मैं लंच कर लेती थी, मेरा लंच नाश्ता एक ही बार हो जाता था, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। फिर जब 4 बजता था शाम का, तो फिर मुझे थोड़ा भूख लगता था हल्का, तो मैं चाय लेती थी, मूंगफली थोड़ा सा भून लेती थी, और उसमें मूंगफली में आपको नमक नहीं डालना है, इसी तरह आपको तवा पे हल्का फ्राई कर लेना है। तो मैं 1 कप चाय और मूंगफली खा लेती थी। मूंगफली खाने से भी भूख कम हो जाता है और उसमें फाइबर की मात्रा होती है, तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो मैं उस टाइम पे मूंगफली और चाय खा लिया करती थी, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती थी। मैं शाम को सीधे रात में खाना जल्दी खाती थी, मैं जल्दी खाना बनाया करती थी, 8 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, जिसमें रात में भी मैं चावल खाती थी, पर बिल्कुल थोड़ा, इतना थोड़ा सा मेरा चावल होता था थाली में, और चावल की जगह चावल जितना कम रहता था, मेरा दाल और सब्जी उतना ही ज्यादा रहता था। मैं दाल हमेशा ज्यादा लेती थी, सब्जी भी बहुत ज्यादा लेती थी, और उन सबसे कम लेती थी चावल, चावल मेरा बहुत थोड़ा रहता था। और हमेशा मैं 8 बजे तक खाना खा लेती थी, 8:30 तक, उसके बाद क्योंकि मैं 2-2.5 घंटा बाद ही सोती थी। और खाना खाने के बाद मैं हमेशा ब्रज आसन में बैठती थी, थोड़ा सा बैठने के बाद थोड़ा आराम से आधा घंटा, जब मुझे 15 मिनट हो जाता था घर में, ब्रज आसन में बैठती थी, थोड़ा इधर उधर करती थी अपना घर का काम, उसके बाद मैं टहलती थी अपने छत पे ही जाके, आराम से टहलना, आपको दौड़ नहीं लगाना, वॉक करना है, लेकिन आपको टहलना है। खाना खाने के बाद आपको डायरेक्ट सोना नहीं है, आप थोड़ी देर कोशिश कीजिए, अगर आपको कहीं जगह नहीं है तो आप अपने घर पे भी टहल लीजिए, इधर से उधर अपने घर पे ही आप 100 कदम चलिए कम से कम, अगर 1 किलोमीटर चलिए तो अच्छा, अगर नहीं चल पाए तो 100 कदम, 500 कदम, इस तरह से आपको रात में टहलना है। तो मैं इस तरह से हमेशा रात में टहलती थी, फिर रात में 1 गिलास दूध, क्योंकि खाना मैं हमेशा कम लेती थी रात का, और अगर आपको भी अपना वजन कम करना है तो रात का जो आप खाना लेते हैं उसे कम लीजिए, और उसके जगह पे आप 1 गिलास दूध ले लीजिए। तो मैं 1 गिलास गुनगुना दूध लेती थी और थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण लेती थी, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि मैं त्रिफला चूर्ण लेती हूँ, अभी भी लेती हूँ। तो मैं फिर वहां पे त्रिफला चूर्ण लेती थी थोड़ा, और उसके साथ मैं गुनगुना दूध लेती थी। इससे आपका पेट, जब आप सुबह उठोगे गर्म पानी गुनगुना पियोगे, आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से योगा करोगे। तो ये इस तरह से मेरा पूरा दिन का रूटीन रहता था सुबह से शाम तक। और एक बात और बता दूं, मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को पेट का और वेट का बताया है कम करने का, कभी मैंने ये नहीं कहा कि आपको बाजू कम हो जाएगा, आपका गला कम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटे हो, लेकिन आप सिर्फ गले का एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या आप पतले होगे, आपका गला पतला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका वेट घटेगा तो पूरा ही घटेगा, आपका हाथ पैर सब जगह का वेट एकदम से घटेगा, हाँ, लेकिन आपका पेट जो है वो थोड़ा बाद में घटेगा, क्योंकि जब भी आपका वजन कम होता है तो पहले शरीर का वजन जाता है, उसके बाद पेट का, और खासकर महिलाओं का, क्योंकि जो महिला होती है, माँ होती है, उनका पेट थोड़ा लेट ही जाता है, क्योंकि जिनको सीजर से बच्चे होते हैं, जिनका ऑपरेशन होता है बड़ा ऑपरेशन, तो उनका पेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरा पहला बच्चा भी ऑपरेशन से, दूसरा भी ऑपरेशन से, तो दूसरे बच्चे के बाद मेरा खुद पेट बहुत ज्यादा निकल गया था। तो मैंने जो एक्सरसाइज योगा स्टार्ट किया तो मेरा पूरा बदन का फैट जाने लगा, मेरे हाथ पैर सब पतले हो गए, कमर पतले हो गए, पैर पतला हो गया, लेकिन जो मेरा पेट था वो बहुत बाद में जाके कम हुआ है। तो मैं भी वही आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए मैं अपने हर योगा में, आप लोग खुद देखे होंगे, मैंने कभी ऐसा कोई योगा नहीं बनाया कि सिर्फ आपका बाजू कम हो जाएगा, सिर्फ आपके गर्दन कम हो जाएंगे। मैंने जो भी बताया वो पेट और पूरा वेट का बताया है कि आपका पेट कम होगा, क्योंकि पेट को कम होने में टाइम लग जाता है। और बहुत किसी का होता है कि शरीर ऊपर से तो पतला है, सिर्फ पेट निकल गया है, इसलिए मैं अधिकतर जो अपना वीडियो बनाती हूँ वो पेट कम करने के लिए बनाती हूँ और पूरा शरीर का वजन कम करने के लिए। तो मेरा जब पहले वजन था, मेरे पीछे के गर्दन में सूजन सा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा फूला हुआ था, मैं मोटी थी, तो मुझे लगता था कि पहले पतली होंगी फिर पीछे का साइड का पतला करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे मेरा वजन कम हुआ, मेरा पूरा बॉडी अपने आप ही शेप में आ गया। तो जब आप भी करोगे, आपका भी पूरा बॉडी अपने आप ही शेप में आ जाएगा। तो ऐसा आप टेंशन ना लें कि आपका एक कम होगा दूसरा नहीं होगा, आपका पूरा बॉडी कम होगा। जो भी मैं एक्सरसाइज ये बताती हूँ, पहले मैं खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही अपना वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और सुना, कुछ और देखा और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को, मैंने अपना पूरा दिन का आप लोगों को डाइट बता दिया कि मैं किस तरह से दिन में 2 बार खाना खाया करती थी, किस तरह से लेती थी। तो अगर आप लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हो
तो जो आप लोग खाना खाते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दे, बाहर का चीज बिल्कुल भी ना ले, जंक फूड ना ले, ऑयली चीज ना ले। और अभी एक बात और बता दूं, मैं मिठाई उठाई सब कुछ तो छोड़ चुकी थी, लेकिन हाँ गोलगप्पे मैं अपना जब बता रही हूँ तो मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार गोलगप्पे जरूर खा लिया करती थी, तब भी मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैं योगा और एक्सरसाइज उसके डबल करती थी दूसरे दिन। लेकिन रात को उस दिन मैं खाना नहीं खाती थी, क्योंकि जिस दिन मैं गोलगप्पे खाई हूँ उस दिन मैं रात में खाना नहीं खाती थी, रात में सिर्फ दूध पी के सोती थी और त्रिफला चूर्ण ले लेती थी ताकि मेरा पेट क्लियर हो जाए। लेकिन मीठा मैंने बिल्कुल अपने डाइट से हटा दिया था, मैदे से बनी हुई चीजें हटा दी थी, मैं गोलगप्पे भी सूजी या आटा वाला खाती थी और बहुत कम खाती थी, और अभी भी खाती हूँ कभी कभी जब मार्केट जाती हूँ तो मैं अभी भी लेती हूँ। जब मेरे बारे में आपको जानना था मेरा डाइट तो मैं पूरा ही बता दी हूँ, आप लोगों को क्लियर बताई, और मैंने बहुत आराम से अपना वेट घटाया है, किसी भी तरह का ऐसा कोई डाइट नहीं लिया है जिससे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आए या जिसके बिना मैं नहीं रह सकूं। हाँ मीठा छोड़ना आप छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे, आप फिर उसको आपको खाने का खुद ही मन नहीं होगा, आप अंडा ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज में फैट की मात्रा ज्यादा हो उसको थोड़ा कम लीजिए, उसको लीजिए ही मत। तो आप खाना तो घर का खा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाना खाने में, आप फल फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, दही का कर लीजिए, चावल हमेशा थोड़ा लीजिए, अगर दिन में भी आप खाते हैं तो चावल की मात्रा आपकी छोटी कटोरी जो आती है उससे इतनी इतना रहना चाहिए बस, आप इतना सा चावल लीजिए, उसके जगह पे आप दाल का मात्रा ज्यादा कीजिए, आप उसके जगह पे 2 रोटी लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, सब लीजिए, पर थोड़ा थोड़ा, आप 4 रोटी खाते हैं उसके जगह पे आप 2 रोटी का इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह आपको रात का जो खाना है उसको कम खाना है, इतना खाना है कि आपका पेट में उतना ना लगे कि भारीपन आ गया, बहुत फुला फुला ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको फिर रात के खाना हल्का लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके जगह पे आप दूध ले लीजिए गिलास, ताकि आपका पेट पूरा भरा हुआ लगे। तो जब भी आप रात का खाना खाएं, चाहे चावल खाएं या रोटी खाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप चावल खाती हैं चावल खाएं, मैं भी चावल खाती हूँ पर थोड़ा कम खाती हूँ, तो उसी तरह आपको भी कम खाना है, दाल और सब्जी ज्यादा खाना है। तो जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसका मैंने अपने जवाब दिया अपने वीडियो में, अगर कुछ आप लोगों को मिस्टेक लगे, कुछ ऐसा लगे तो फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करना, फिर मुझे कमेंट करना, मैं उसका भी जवाब दूंगी, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देना, और उस तरह से मैं वीडियो भी बनाती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, मैंने इसको भी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो अगर आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो नया वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को मिल सके। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू।